चाचा भतीजा विवाद पर दिन भर की माथापच्ची के बाद मुलायम ने निकाला सुलह का फॉर्मूला। चाचा भतीजा बोले, नेता जी की हर बात मंजूर। सूत्रों के हवाले से खबर, शिवपाल को वापस मिलेंगे सभी मंत्रालय, बने रहेंगे कैबिनेट मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष। मुलायम के दखल के बाद नरम पड़े अखिलेश यादव के तेवर, टिकट बंटवारे का जिम्मा रखेगा अखिलेश के पास। शिवपाल से मुलाकात के बाद मुलायम सिंह का बड़ा फैसला, बर्खास्त मंत्री गायत्री प्रजापति दोबारा मंत्रिमंडल में होंगे शामिल। विवादों के बीच अमर सिंह पर गिर सकती है गाज, सूत्रों की माने तो अमर सिंह के खिलाफ होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री का फैसला पलटने के बाद बोले मुलायम, मेरी बात कभी नहीं टालेंगे अखिलेश। शिवपाल और अखिलेश से मिलने के बाद पार्टी दफ्तर पहुंचे मुलायम, कहा जब तक मैं हूं पार्टी नहीं टूटेगी। मुलायम ने पार्टी में नेताओं के बीच मतभेद से किया इनकार, कहा सभी लोग समाजवादी पार्टी के लिए हैं समर्पित। आज शिवपाल और अखिलेश से लखनऊ में की मुलायम ने मुलाकात, लंबी बातचीत के बाद निकाला हल। मुलायम ने दिया चुनावों का हवाला, यूपी में दोबारा सरकार बनाने के लिए एकजुट हूं कार्यकर्ता। मुलायम से मिलने के बाद बोले शिवपाल, नेताजी की हर बात मंजूर। सड़कों पर आया समाजवादी पार्टी का झगड़ा, इटावा में शिवपाल समर्थकों ने जबरन बंद कराई दुकानें। शिवपाल की विधानसभा में हजारों समर्थकों ने नेशनल हाईवे 2 पर लगाया जाम, अखिलेश और रामगोपाल को बर्खास्त करने की मांग। शिवपाल के समर्थकों ने गाड़ियों पर चढ़कर किया प्रदर्शन, लाठी डंडे लेकर सड़कों पर निकले पार्टी कार्यकर्ता। शिवपाल समर्थकों ने रामगोपाल के खिलाफ की नारेबाजी, पार्टी के से बर्खास्त करने की मांग। अरुणाचल प्रदेश में सत्ताधारी कांग्रेस को फिर झटका, मुख्यमंत्री समेत 43 विधायकों ने छोड़ी पार्टी। कांग्रेस के विधायक पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में हुए शामिल, बीजेपी की सहयोगी पार्टी है पीपीए। कांग्रेसी विधायकों के पार्टी छोड़ने के सवाल पर बोले किरण रिजिजू, कहा आला कमान से नाराज थे विधायक। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने पीएम नरेंद्र मोदी से की मुलाकात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के साथ रिश्तों को बताया खास, रक्षा और विकास से जुड़े कई अहम समझौते। चित्रकूट में राहुल गांधी की किसान यात्रा, किसानों से की बात, बीजेपी पर साधा निशाना। शहाबुद्दीन को पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ चंदा बाबू ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, सुप्रीम कोर्ट सोमवार को करेगा सुनवाई। बिहार सरकार ने भी शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का किया फैसला, नीतीश सरकार पर लग रहे थे आरोप। शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ सरकार के फैसले पर बोले लालू, सरकार ने ले लिया है फैसला, अब हम क्या कर सकते हैं। शहाबुद्दीन ने आज तक से कहा, मुझे जेल जाने पर परेशानी नहीं, मुझे डॉन बोलने वाले डॉन का मतलब बताएं। शहाबुद्दीन के साथ दिखने वाले शार्प शूटर बंटी के घर पहुंची बिहार पुलिस, संपत्ति की कुर्क। समझौता ब्लास्ट मामले में मुख्य आरोपी स्वामी असीमानंद को मिली जमानत, पंचकुला के विशेष एनआईए अदालत में हुई सुनवाई। सुनवाई में असीमानंद समेत सभी आरोपी हुए कोर्ट में पेश, मामले की अगली सुनवाई कल। सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर तक बढ़ाई सुब्रत रॉय की पैरोल, सेबी ने नहीं किया विरोध। केजरीवाल सरकार के खिलाफ कांग्रेस का भगोड़ा दिवस, दिल्ली की अनदेखी करने पर सीएम का पुतला फूंका। डेंगू चिकनगुनिया से मरती दिल्ली से नाराज सीएम, मंत्रियों के खिलाफ प्रदर्शन, सामने आई डिप्टी सीएम के फिनलैंड दौरे की तस्वीरें। कावेरी जल विवाद को लेकर तमिलनाडु में दिखा बंद का असर, कारोबारी संगठन आए एक साथ, सड़कों पर उतरे व्यापारी। चेन्नई में डीएमके ने कावेरी विवाद को लेकर किया प्रदर्शन, पुलिस ने कई लोगों को लिया हिरासत। बैंगलोर में भी कावेरी विवाद को लेकर प्रदर्शन, भारी सुरक्षा बल तैनात, प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। कावेरी विवाद को लेकर किसान एसोसिएशन का रेल रोको आंदोलन, चेन्नई में की रेल रोकने की कोशिश।
कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच यातायात ठप, यात्रियों को हो रही है परेशानी। पूर्वी दिल्ली के मधुविहार में एम्स की सीनियर डॉक्टर ऋतु ने जहरीला इंजेक्शन लगाकर किया सुसाइड। डॉक्टर ऋतु के परिवार वालों का पति ब्रिजेश पर आरोप, पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली में गोमांस के शक में युवकों की पिटाई, चार आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोमांस विवाद के बाद दो समुदायों के बीच तनाव, पुलिस ने जारी किया अलर्ट। हरदोई में दलित बुजुर्ग की हत्या की गुत्थी सुलझी, बेटी से दूर रहने की चेतावनी देने पर आश्रित ने किया कत्ल। राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा बलों ने सरहद पर बंद पड़ी दो चौकियां खोली, आतंकियों के खिलाफ दिन रात होगी गश्त। भरतपुर में दहेज हत्या के मामले में पति और जेठ को उम्र कैद की सजा, 2012 में महिला की हुई थी हत्या। बैतूल में पिता शव सड़क किनारे रखकर मदद के लिए भटकता रहा, नहीं मिली सरकारी मदद। मुजफ्फरपुर में कोयले की कमी से बिजली उत्पादन निगम की दो यूनिट ठप, बिजली संकट गहराया। दिल्ली में दिखा रफ्तार का कहर, ट्रक ने तेज कार को मारी टक्कर, एक की मौत, तीन की हालत गंभीर। ग्रेटर नोएडा में शारदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली विदेशी छात्रा से रेप, ड्रग्स देकर नाइजीरियाई छात्र ने किया रेप। दिल्ली के अमन विहार इलाके में पार्क में दो लड़कियों के साथ गैंग रेप, पांच लड़कों पर गैंग रेप का आरोप। पार्क में अपने दो दोस्तों के साथ गई थी लड़कियां, पांचों बदमाशों ने लड़की के दोस्तों को पीटने के बाद किया गैंग रेप, सभी आरोपी हिरासत में, तीन हो सकते हैं नाबालिग। दिल्ली के ओखला इलाके में सीनियर सिटीजन का मर्डर, जंगल में ईंट से कुचली मिली लाश। दिल्ली में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसा, बवाना नहर में डूबे तीन लोग, एक को बचाया गया, दो लापता। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 61 में शॉपिंग मॉल में नौकरी दिलाने के बहाने युवती से गैंग रेप, मॉल के सिक्योरिटी इंचार्ज पर लगा आरोप, आरोपी फरार। जयपुर में मिली 21 साल की युवती की खून से सनी लाश, पुलिस ने युवती के प्रेमी को किया गिरफ्तार। प्रेमी ने युवती के शरीर पर चाकू से 17 बार किया वार, बाद में कार में रखे फायर एक्सटिंग्विशर से सिर को कई बार कुचला, प्रेमिका पर शक की वजह से किया कत्ल। सूरत में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान डबल मर्डर से सनसनी, छेड़छाड़ का विरोध करने पर हुआ मर्डर। रतलाम में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसा, हादसे में सात लोगों की डूबने से मौत, प्रशासन ने परिजनों को 4 लाख के मुआवजे का किया ऐलान। दक्षिण 24 परगना में ब्लैकमेलर से तंग आकर 8वीं की छात्रा ने की खुदकुशी, छात्रा को अश्लील तस्वीर के नाम पर ब्लैकमेल करता था एक शख्स। जोधपुर में एक प्राइवेट स्कूल के बस ड्राइवर ने नशे में किया हादसा, तेज रफ्तार बस से गिरे छात्र की मौत, कई छात्र हुए घायल। हादसे के बाद फरार हुआ आरोपी ड्राइवर, गुस्साए लोगों ने बस में लगाई आग, हंगामा किया। जमशेदपुर में फर्जी आयकर अफसर बनकर ठगने वाले गैंग का पर्दाफाश, पांच आरोपी हिरासत में। एटा में एक सरकारी कर्मचारी ने किया सुसाइड, दफ्तर में ही दी अपनी जान। बागपत में चीनी मिल से बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान न होने पर किसानों का आंदोलन हुआ उग्र, 300 किसानों ने आत्मदाह के लिए मांगी इजाजत। यूपी के शाहजहांपुर में अवैध संबंधों के शक में पति ने काटी पत्नी की नाक, आरोपी पति फरार। फरुखाबाद में पूर्व फौजी पर अपने बेटे की हत्या का लगा आरोप, शराब पीने के लिए पैसे मांगने को लेकर विवाद में मारी गोली। बरेली में राह चलती लड़की को छेड़ना, मनचले को पड़ा महंगा, लड़की ने चप्पल से की पिटाई। उज्जैन में 6 दिनों तक युवती को बंधक बनाकर रेप, आरोपी की तलाश में पुलिस। मुंबई से सटे कल्याण में संपत्ति विवाद में बुजुर्ग दंपत्ति पर हमला, पति की मौत, पत्नी बुरी तरह घायल।
राजस्थान के धौलपुर में सौतेले पिता पर संगीन इल्जाम, दो बहनों ने 8 वर्षों से रेप का लगाया आरोप, पिता फरार। जोधपुर में पुलिस वालों की गुंडागर्दी, दुकान में सामान खरीदने के बाद पैसा मांगने पर दुकानदार और उसके बेटे की जमकर किरनाई। अलवर में भारी मात्रा में पशुओं के कंकाल मिलने से हड़कंप, पुलिस ने करीब 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया। झालावाड़ में पागल कुत्ते ने 5 छोटे बच्चे को काटा, डीएम से गुहार लगाने के बाद अस्पताल में हुआ इलाज। तमिलनाडु के विलुपुरम में डीएम के कार्यकर्ता की सरेआम हत्या, धारदार हथियारों से 3 लोगों ने किया हमला। गुड़गांव में सीआरपीएफ में नए भर्ती हुए असिस्टेंट कमांडेंट की पासिंग आउट परेड, ट्रेनिंग के दौरान शानदार प्रदर्शन करने वाले कैडेट किए गए सम्मानित। बारामूला के रहने वाले गुल जुनैद खान ने घाटी के युवाओं के सामने पेश की मिसाल, सीआरपीएफ में बने असिस्टेंट कमांडेंट। होशंगाबाद में मजनूओं को सबक सिखाने के लिए लड़कियों ने थाना प्रभारी के साथ सेल्फी लेकर व्हाट्सएप पर लगाई प्रोफाइल फोटो, पुलिस ने टीआई मेरा भाई नाम से चलाया है अभियान। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में एवीजे बिल्डर के खिलाफ फ्लैट ओनर्स का फूटा गुस्सा, अपार्टमेंट में 3 दिन से ना बिजली आ रही है ना ही पानी। आज से ऑल इंडिया रेडियो की बरूद सर्विस के लिए वेबसाइट और मोबाइल ऐप किया जाएगा लॉन्च, प्रसार भारती की तरफ से किया जाएगा लॉन्च। गुलबर्गा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, नदी के उफान में डूबा पुल, लोगों की बड़ी मुश्किल। जयपुर में तैनात पुलिस जवानों को सिखाई जा रही है इंग्लिश, विदेशी पर्यटकों से बातचीत में ना हो परेशानी, इसलिए कर रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। नेपाल से आए हाथियों के झुंड ने पीलीभीत में मचा रखा है उत्पात, करीब 50 एकड़ में फसल को पहुंचाया नुकसान, एक हाथी की संदिग्ध हालत में मौत भी हुई। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से गुरुवार को पहली इंटरनेशनल फ्लाइट ने भरी उड़ान, अब तक चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नहीं रखा जा सका है कोई नाम। कच्छ में वायुसेना ने भुज स्टेशन पर भूकंप के दौरान तैयार परखने के लिए वायुसेना ने की मॉक ड्रिल, एयरफोर्स और कई दूसरे एजेंसियों ने परखा तालमेल। मुंबई की गिरगांव चौपाटी पर हुआ लालबाग के राजा का विसर्जन, गणपति विसर्जन के जुलूस में हजारों की संख्या में जुटे भक्त। मुंबई में रात भर चलता रहा गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का दौर, जुहू चौपाटी पर तड़के 4 बजे तक 815 घरेलू प्रतिमाओं और 610 सार्वजनिक गणपति का विसर्जन हुआ। गणपति विसर्जन के दौरान रणधीर कपूर भड़के, सवाल पूछने पर रिपोर्टर को मारा थप्पड़। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में गणेश उत्सव के दौरान चंद्रकांत खैरे ने जमकर किया जांच, पूरे श्रद्धा भाव से निकाली झांकी। पुणे में भी बप्पा की विदाई पर उमड़ी भक्तों की भीड़, विसर्जन से पहले निकाली गई शोभा यात्रा। कैटरीना को 19 सितंबर को दिया जाएगा स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड, फिल्मों में शानदार काम के लिए मिलेगा सम्मान। सोहाली खान ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर और गणेश पंडाल में जाने पर हुई आलोचना पर किया पलटवार, कहा मंदिर जाने से गैर मुस्लिम नहीं हो जाऊंगे। फिल्म क्रिश 4 के रिलीज की तारीख तय, 2018 में क्रिसमस पर आएगी ऋतिक की फिल्म। 2008 के मुंबई हमलों के मुकदमे में तेजी लाने के लिए भारत ने पाकिस्तान को लिखी चिट्ठी, विदेश सचिव ने पाकिस्तानी विदेश सचिव को लिखा खत। चीन के फुजियान प्रांत में मेरांती तूफान से लाखों लोग प्रभावित, तूफान की वजह से करीब 26 लाख घरों में पानी और बिजली का संकट। बीमारी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन प्रचार के लिए लौटी, पत्रकारों से कहा अब वो स्वस्थ है। अर्जेंटीना के चाको में भूवैज्ञानिकों को मिला करीब 30 टन वजनी उल्कापिंड, करीब 4000 साल पुराना हो सकता है उल्कापिंड। पेरू के अमेजॉन के जंगलों में हाल में लगी आग से करीब 20,000 हेक्टेयर रेन फॉरेस्ट पर पड़ा असर, राहत कर्मियों के मुताबिक एक गांव से फैली आग।